हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी भाई लोग डिमांड कर रहे थे कि आप पल्सर का और होंडा की S125 दोनों का एक ड्रैग रेस का वीडियो बनाऊं, और फाइनली वो वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं। और तो बात करें यहाँ पे पावर की, तो जो पल्सर है ना, इसके अंदर 1.1 bhp पावर ज़्यादा अपनी होंडा S125 से, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है। तो भाई आज की जो रेस है काफ़ी रोमांचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कौन सी बाइक विनर होती है। बात करें पल्सर की, तरह पल्सर इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट बाइक और मोस्ट लव्ड स्पोर्ट बाइक भी है। बात करें होंडा S125 की, तो यार इसने काफ़ी कम टाइम के अंदर यार काफ़ी ज़्यादा फैन बेस बना लिया है। तो दोनों ही बाइक की काफ़ी फैन फॉलोइंग है, और यार मुझे कमेंट करके बताना इन दोनों से आपको कौन सी पसंद है। मेरे को तो दोनों ही पसंद है, लेकिन थोड़ी सी एस भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। बाकी आप भाई को कौन सी पसंद है कमेंट करके बताना, और भाई आज के वीडियो में दोनों की रेस में कौन विनर रहेगा अभी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला आज के वीडियो में, काफ़ी शानदार वीडियो रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं कौन जीतता भाई। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देख लेना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम और पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई फाइनली अपन बाइक पे आ चुके हैं, और अपन चलाने वाले हैं पल्सर 125, और अपना आदि भाई चलाएगा यहाँ पे होंडा S125। तो यहाँ पे हॉर्न भी मैं दबाऊंगा और स्टार्ट भी रेस मैं ही करूँगा। चलो भाई स्टार्ट कर लूँ, तो स्टार्ट करते हैं भाई रेस को। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम है, देखते हैं कवर होता है नहीं। और यहाँ पे विनर है भाई होंडा S125। थोड़ा सा यार टॉप एंड के अंदर वेट से फर्क आ गया भाई। बात करते हैं आदि से, क्या कहता है यहाँ से दोबारा की जा रेस? हाँ दोबारा करेंगे यार, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को टॉप एंड में, अगर थोड़ी दूर और चलते ना अपन तो बराबर आ सकती थी बाइक। वेट का फर्क आ रहा है, थोड़ा सा वेट का फर्क आ रहा है। एक बार इससे ट्राई और करते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मेरा वेट ज्यादा है इसलिए टॉप एंड में थोड़ा फर्क आ रहा है। नहीं तो अच्छे से रिजल्ट पता लग जाएगा। एक बार अपन एक अटेम्प्ट और करते हैं, फिर करेंगे अपन। हाँ जब मैं उसको चलाऊंगा तो इसी समय अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है अभी एक अटेम्प्ट और करते हैं। अब की बार हॉर्न तू दबा ले। भाई यहाँ पे जो डिफरेंस है वो वेट का ही है, देखो फिर से वही डिफरेंस आ गया जितना पहले था। तो भाई अभी राइडर चेंज कर लिया है, अभी अपन चलाएंगे अपनी होंडा S125 और हॉर्न दबाएगा अपना आदि। मुझे लगता है पिकअप इसका है अच्छा, और टॉप एंड थोड़ा सा इसका बेटर है। देखते हैं भाई क्या होता है, अभी पिकअप के अंदर अपन कहां तक आगे निकल पाते हैं, कितनी देर आगे रह पाते हैं, ये भी आगे वीडियो में देखने आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। भाई SP आगे जाते हैं, अगेन भाई
अब यहाँ पे आधे आगे निकल गया अपने से। टॉप एंड में वेट का फर्क आता है भाई, और वेट का फर्क आ गया है। तो भाई ट्राई करते हैं लास्ट अटेम्प्ट, और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। इसके बारे में बहुत कुछ बातें करनी है इन दोनों बाइक को लेके, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं लास्ट अटेम्प्ट। हॉर्न दबा ले, तू दबा ले भाई। तो भाई यहाँ पे 85 के बाद आधी आगे निकल गया, और 90 वाला अपना चैलेंज अपन हार चुके हैं। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया भाई अपन ने। और यहाँ पे विनर है पल्सर। 85। लेकिन इसमें क्या हुआ, हम उस टाइम हमारी बाइक की जो टॉप स्पीड थी, टॉप स्पीड नहीं, स्पीड थी वो थी 94 या 95 के आसपास थी। तो यार ये 10 का डिफरेंस कैसा एरर है इसमें? एक तो जब तू 85 चल रहा था, हाँ हाँ, उससे मैं तेरे को क्रॉस कर रहा हूँ तो थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा है ऑलरेडी। लेकिन 10 का फर्क बहुत ज्यादा हो गया। 10 का फर्क तो खैर नहीं है, शायद 4-5 स्पीड का एरर होगा यार। हाँ थोड़ा सा एरर है इसके अंदर, कुछ 4-5 में प्लस भी। तो भाई अगर ये 105 जा रही है, ये 110 जा रही है, तो दोनों बराबर है वो। हाँ बराबर सी बात है। चलो आगे बात करते हैं, ऑन कैमरा भी चलते हैं आगे, फिर रुक के बात करते हैं भाई। तो भाई ये थी इन दोनों बाइक की ड्रैग रेस, आपने देख ली। और अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है, कौन सी जीती कौन सी हारी। तो भाई यहाँ पे जो टॉप एंड है उसमें थोड़ी सी पल्सर बेटर है, और बेटर क्यों है ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी बात करते हैं पिकअप की। तो भाई यहाँ पे जो पिकअप है यार, वो एसपी का काफ़ी अच्छा है, मतलब कि पल्सर से तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 80 की स्पीड तक तो यार एसपी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है, लेकिन टॉप एंड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ी सी हार जाती है पल्सर से। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो फ़र्क आता है यार, वो पावर का आता है। अप्रोक्स 1 BHP पावर कम है इसके अंदर पल्सर से, इसलिए यहाँ पे टॉप एंड थोड़ा सा कम आता है। बाकी ये बाइक का जो टॉप एंड आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता इसका यार, जो वेट है काफ़ी ज़्यादा। सच में यार 140 kg की बाइक है, और काफ़ी ज़्यादा वेट है एक 125 cc की बाइक के हिसाब से। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि जो R15 आती है उसका वेट आता है 142 kg, सिर्फ 2 किलो ज़्यादा हेवी है इससे, और उसकी टॉप स्पीड देखो। तो भाई इसका यार वेट थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए टॉप एंड इसका कम आता है, लेकिन एसपी से बेटर आता है। यहाँ पे थोड़ी सी अपन बात करते हैं अपने राइडर वीर जी से, देखते हैं भाई वो क्या बताते हैं। क्या भाई यहाँ पे इन दोनों का अपने डिग्रेस किया, तो इसमें कुछ अपना बताना चाहोगे आप, एक्सपीरियंस कुछ अनुभव? एक्सपीरियंस यही है कि देखो जो टॉप एंड है वो पल्सर का हल्का सा प्लस है, ठीक है, बाकी जो इनिशियल है ना वो इनिशियल एसपी का काफी बेटर। अच्छा यहाँ पे इनिशियल की थोड़ी सी बात करें पिकअप की, तो 19 का फर्क है या 15-20 का फर्क है? इनिशियल में काफी फर्क है, 15-20 वाला फर्क है मतलब। हाँ मतलब थोड़ा सा ज्यादा फर्क आप मान सकते हो। इनिशियल में एसपी 125 आगे जाएगी चाहे कुछ भी हो, उसके बाद टॉप एंड पे पल्सर 125 आगे निकल जाएगी। और भाई थोड़ी सी लगे हाथ इनसे ये भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे रिफाइनमेंट ब्रेकिंग के अंदर मुझे एसपी थोड़ी सी बेटर लग रही है। इसमें तेरा एक्सपीरियंस, दोनों बाइक तूने चला ली है, अब तू बता दोनों। रिफाइनमेंट और ब्रेकिंग और रिलायबल, हाँ ये तीनों पॉइंट काफी प्लस है, काफी प्लस। इधर थोड़ा सा बाइक को फ्रेम में लेते हुए बात करते हैं। हाँ तो यहाँ पे मतलब तीनों चीज मेरे को इसमें बेटर लगी, तेरे को भी सेम उसमें बेटर लगी मतलब। रिफाइनमेंट, रिलायबल और ब्रेकिंग, ये तीनों पॉइंट एसपी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और पल्सर में मेरे को दो चीज अच्छी लग रही है, एक तो थोड़ा सा मुझे स्पोर्टी लग रही है, और थोड़ा सा मस्कुलर सा लुक लगा मेरे को। पल्सर का थोड़ा मस्कुलर सा लुक है, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। और बाकी दोनों में से कौन सी बाइक चूज करनी चाहिए, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी आपके लिए परफेक्ट है। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ड्रैग रेस का वीडियो आपने देखा, अब दोनों का कंपैरिजन का वीडियो जस्ट इसके बाद आ जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लेना। तो भाई ये था आज का वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पे फर्स्ट टाइम पहली बार आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस टाइप के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।